किसान आंदोलन में हम लोग हैं क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के और अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा से हमारे कर्नाटक के साथ हमको बड़ी खुशी है आप से मिलकर जो आप पंजाब कॉम्रेड तो आप थोड़ा पंचर बताइए आप कहाँ से आए कितना दिन से आप यहाँ पर हैं सरकार ने तीन काले कानून लाए हैं वो किसानों के लिए बहुत हानिकारक है अच्छा गुरप्रीत जी आप पंजाब में कौन से जिले से आपका पिंड हुआ था जिला फरीदकोट अच्छा फरीदकोट के पिंड कौन सा आपका पिंड चक्कू में आया अच्छा अब कल जो वार्ता हुई थी किसानों के बीच में किसान नेताओं के बीच में और कृषि मंत्री के बीच ये जो वार्ता में एक उम्मीद जगी थी कि वो समाधान निकलेगा लेकिन सरकार ने तो मांग को माना नहीं कि किसान देखो ये तो अब क्या करना है देखो ये कोई सरकार ये तो सरकार लॉलीपॉप खमा रही है किसानों अल्ला साढ़े किसान भी पिंडों कल परसों साढ़े ट्रैक्टर मार के किसान वो तो वे हो गए असी इन्हों टोटा जवाब देंगे भी जो साढ़े जो चीज़ असं नहीं चाहते साढ़े क्यों सुपने चाहते हैं गुरप्रीत जी इतना भयानक बरसात हो रही है हमने देखा कोई बात नहीं बरसात में सब भीग रहे हैं किसान तो किसान तो दिन भर रात पानी में रहता है जो माल का रक्षा कर रहा है पड़ पड़ेगा क्या हो जाएगा हाँ हमने खेत को पानी लगाना है वो मार रहे हैं अपने का अपने आप काम कर दिया हमारी फसल को पानी लगा दिया हम जाएंगे ही नहीं हम यहाँ रहेंगे अच्छा हम जो गुरप्रीत जी जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने 26 जनवरी तक अगर किसानों की मांगे नहीं मानी ये जो काले कानून है अंबानी अडानी को खेती सौंपने का इसको वापस नहीं लिया तो किसान बोल रहे हैं कि वो ट्रैक्टर रैली करके 26 जनवरी को दिल्ली में आएंगे तो उसमें पुलिस और मिलिट्री से टक्कर होगी कोई बात नहीं टक्कर तो वो आधा जो लगा लेगा आधा लगाएगा आज लाल किले पे आधा झंडा चढ़ाएंगे 26 तारीख को ठीक है उसको चढ़ाने नहीं देंगे आपका कहने का मतलब है कि कितना भी परेशानी हो कितना भी लाठी चल जाए जेल कुछ भी हो जाए हम जीत हासिल करके रहेंगे है ना और तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे क्या जो आपकी सोच है यहाँ पर हर किसान की यही सोच है हाँ यही सोच हर एक किसान की यही सोच कर रहा है ये मालूम पहले ये लागू हो गया किसान तो मर जाएगा इसलिए हम उसे मरने के लिए पहले मर जाए अच्छा है बहुत अच्छे लगा आपसे बात करके गुरप्रीत जी ये हमारे साथी सब आए हैं कर्नाटका रैयत क्रांतिकारी संघ